ट्विटर पे आ जाओ, मोदी जी को राय दे। देखिए काइनेटिक एनर्जी आ गई टी बराबर हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को वी इज द फंक्शन ऑफ आर ले लिया। पोटेंशियल एनर्जी वी इज द फंक्शन ऑफ आर। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी वी इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। वी इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड फाई। चलो बच्चों बोलो नहीं, आर थीटा और फाई। अब हम लैग्रेंजियन ले रहे हैं, लैग्रेंजियन एल टी माइनस वी, लैग्रेंजियन एल टी माइनस वी। टी की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर। वी इज द फंक्शन ऑफ, वी इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रेंजियन, अब यहां पर आर तो आप फिक्स मान के चले हो तो लैग्रेंजियन इक्वेशन आप थीटा और फाई के लिए दोगे। तो देखिए लैग्रेंजियन इक्वेशन थीटा और फाई के लिए, लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या अभी बताई थी, डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर। ठीक है, तो यहां पर क्यू जे डॉट की जगह क्यू जे की जगह थीटा ले लो, क्यू जे डॉट की जगह थीटा डॉट ले, क्यू जे डॉट की जगह थीटा डॉट ले। ठीक है, अब देखिए डी वाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर थीटा जी। ठीक है, अब यहां पर क्यू जे की जगह आप फाई ले लीजिए, फाई डॉट ले, तो बन गया डी वाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर फाई डॉट डेवर एल अपॉन डेवर फाई। ठीक, अब यहां पर L को थीटा और थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और L को फाई और फाई डॉट के रिस्पेक्ट में कर दो, थीटा और थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करके देखिए क्या आता है। पहले तो इक्वेशन बना लो, फिर L को फाई और फाई डॉट
तो देखिए डिफरेंशिएटिंग एल विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड थीटा डॉट, थीटा एंड थीटा डॉट, तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा डॉट का जीरो, साइन स्क्वायर थीटा का टू, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा फाइव डॉट का स्क्वायर माइनस देवर वी अपॉन, ठीक है, कर दीजिए डिफरेंशिएट, ये बना जाके इस वाले टू से ये टू कट गया, डेवर एल अपॉन डेवर थीटा क्या बना जाके एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाइव डॉट का स्क्वायर डेवर वी अपॉन, अब थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करो, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डेवर एल अपॉन डेवर थीटा, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का टू थीटा डॉट, वी का जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट क्या हो गया एम आर स्क्वायर थीटा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये रख दीजिए बच्चों यूजिंग इक्वेशन 13 इन इक्वेशन 10, डी बाई डी टी एफ ठीक, एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एम आर स्क्वायर बाहर हो गया, थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट हो गया, माइनस एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाइव डॉट का स्क्वायर डेवर वी अपॉन, ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसी तरह फाइव के लिए आएगी,
ठीक है, इसी तरीके से फाई के लिए, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। फाई वाली निकालनी है तो फाई के रिस्पेक्ट में करिए, करके देख ली, करने को इतना ही बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है, शॉर्ट के लिए इतना ही है, पर मैथमेटिक्स से सामने छोड़ना ठीक नहीं लगता, उस लिए कर दे रहे हैं। हाँ भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आर थीटा फाई का फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी ना तो आर डॉट का फंक्शन है, ना थीटा डॉट का फंक्शन है, ना फाई का, और काइनेटिक एनर्जी आर डॉट थीटा डॉट फाई, तो आर तो हटा दिया, थीटा डॉट फाई डॉट का फंक्शन है भाई। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, ये ठीक है। अब ये वाला भी यहां तक सफिशियंट है, आपको इतना ही करना है शॉर्ट के लिए। अब अगर भाई सामने लिखा है तो ये वाला कर लो तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बीएससी लेवल तक तो उतना ही बताएंगे, उतना भी बहुत ज्यादा है, अब थर्ड ईयर में आ गया ये सब उनके लिए। अब देखिए, एल का फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग एल विद रिस्पेक्ट टू फाई एंड फाई, विद रिस्पेक्ट टू फाई एंड फाई, फाई एंड फाई डॉट, फाई और फाई डॉट के रिस्पेक्ट। तो देखिए, डेवर एल अपॉन डेवर फाई डॉट, डेवर अपॉन डेवर फाई डॉट, इसकी वैल्यू क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, वी करिए जरा, एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर बाहर, थीटा डॉट का जीरो, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा टू साइन डॉट, डेवर एल अपॉन डेवर फाई डॉट की वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, इक्वेशन नंबर 60। अब इसको करिए, फाई के रिस्पेक्ट में वो था फाई डॉट फाई, तो डेवर एल तो डेवर एल अपॉन डेवर फाई में
ये सब जीरो हो जाएगा, बस ये बचेगा माइनस जे वर बी अपॉन डेवर बी अपॉन डेवर फाइव, सिर्फ ये बचेगा। भाई देखो, हाफ एम आर स्क्वायर बाहर, थीटा डॉट स्क्वायर का फाइव के रिस्पेक्ट में जीरो, साइन स्क्वायर थीटा का जीरो, फाइव डॉट वेलोसिटी है उसका फाइव के रिस्पेक्ट में जीरो, तो बस बी फंक्शन है आर थीटा और फाइव का, तो डेवर बी अपॉन डेवर फाइव बचा। अब ये रख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 16 एंड इक्वेशन 17 इन इक्वेशन 11 में यूज करिए, तो डी वाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर फाइव माइनस डेवर एल अपॉन डेवर एल अपॉन डेवर फाइव बराबर, इसकी वैल्यू है डी वाई डी टी, इसका डेवर एल अपॉन डेवर एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव, और ये प्लस में हो जाएगा ठीक है। अब बाहर कर लो एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डबल डॉट हो जाएगा, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाइव डॉट अपॉन डी प्लस डी वन डी अपॉन डी, तो एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डबल डॉट डी वन फाइव, ये डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ठीक है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, दिस इज द ऑर्डर डिफरेंशियल, फाइव के लिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, अब डंबेल है वो किसी दिन और बताएंगे, वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, लैग्रेंजियन की तो डंबेल इसी तरीके का टॉपिक है, वो अगले संडे वनडे बता देंगे ठीक है, तो कुछ इसमें छूटेगा नहीं लैग्रेंजियन में ठीक है। देखो जरा सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी of Lagrangian approach approach over Newtonian approach
न्यूटोनियन अप्रोच से बेटर लैग्रेंजियन अप्रोच है, ये सुपीरियर है, तो उसी को सुपीरियरिटी कह दिया ऑफ लैग्रेंजियन अप्रोच ओवर न्यूटोनियन अप्रोच। जो न्यूटन्स लॉ की अप्रोच थी उससे बेटर है लैग्रेंजियन अप्रोच। वो देखिए, लैग्रेंजेज इक्वेशन ठीक है, बाय द न्यूटोनियन अप्रोच बाय द न्यूटोनियन अप्रोच बाय द न्यूटोनियन अप्रोच अप्रोच ड्यू टू द कॉन्स्टेंट्स ड्यू टू द कॉन्स्टेंट्स। अब जैसे अनुराग मिश्रा हैं, इन्होंने एक दिन सुमित कुमार ने एक दिन कहा कि चलो भाई हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में भी ये काफ़ी मेहनत भी करते हैं, तेज भी हैं, तो ये तो बाहर से रह रहे हैं, तो इन्होंने एक दिन अपने कमरे पर रहते हो हॉस्टल पे रेंट पे रहते हो, तो इन्होंने मकान मालिक को बता के सेट कर दिया कि रात में तुम्हें पिक्चर दिखाएंगे और 9 से 12 ठीक है, जब ये गुरुदेव में 9 से 12 ये रात वाला शो दिखाएंगे ठीक है। सुनिए तो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम दोगे कि नहीं दोगे, ये तुम्हारे ऊपर है ठीक है। तुम्हें भी लगा यार दिखा रहा है, इनका दिल ना टूट जाए, क्षितिज को भी लगा ठीक है, इनका चलो देखा जाएगा, वहाँ सिटी बचाया जाएगा। गुरुदेव में जाओ ना, तो गुरुदेव में जाओ तो सिटियाँ बहुत बचाते हैं, लड़के हैं सब, तो हम एक दो बार गए तो मेरा बेटा जो छोटा था, तो जब बच्चे जो कोई हाउसफुल 3 और 1 2 आई है ना, तो वो देखने गए तो वो सीटियां जब बजाए तो ये चिल्लाने लगे, इसको बहुत मजा आए। तो अब वो जब छोटा जब हम लोग साथ है तो उससे बहुत मजा आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्षितिज को अनुराग को बहुत मजा आएगा, ये लोग भी सीटियां बजाएंगे ठीक है। तो अब आप तीनों लोग गए, ये पूरा मामला सेट है, इनका गार्जियन वहां है फरकाबाद में, तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और तुम्हारे घर में जैसे ही तुम आए, तुम्हें पिताजी 11 बजे जैसे ही आए, तुम्हारे भाई ने फोन किया आ जाओ निपट जाओगे, तो ये बीच से गायब हो जाएंगे ठीक है। हो सकता है आप भी आओ ना, सुमित कुमार बेचारे टिकट लिए खड़े। तो ये क्या है कि हम बाउंडेशन जब लगती है तो बहुत चीजें चेंज हो जाती है। ये बाउंडेशन है, गार्जियन ये कहेंगे क्या जरूरत है रात का सो लेने की, रात में दिक्कतें होती हैं भाई, 9 से 12 देख रहे हो, कोई अल्कोहल पी के आ गया, बेफालतू लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अब लड़ाई झगड़े में आपकी गलती नहीं है, लड़ाई झगड़ा हुआ तो पुलिस वाले तो दोनों को बंद करते हैं। जब हाथापाई हो तो ध्यान रखो दोनों जाएंगे, इसलिए पिटो नहीं पीट लो, पता चला पिट भी गए अंदर भी चले गए है ना। खैर अब तो तुरंत जमानत हो जाती, पर ये वो है, तो ये दोनों लोग इस वजह से धीमे से गायब हो गए, सुमित कुमार बिचारे अकेले।
खड़े। तो ये क्या हुआ कि कॉन्स्टेंट्स की वजह से मोशन इफेक्ट होता है, इनका वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई। ऐसे ही यहां पर कॉन्स्टेंट लगने की वजह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स से वो सही तरीके की एनालिसिस नहीं हो पाती, पर लैग्रेंजियन बेटर कर लेता है। ठीक है, तो देखिए बाय द न्यूटोनियन अप्रोच ड्यू टू द कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स विच आर अननोन, जो कि अननोन है, इन लोगों ने सुमित कुमार को बताया भी नहीं है कि यह संभावना है, अननोन इन कि पिताजी के बाद आने के बाद यह दिक्कत हो सकती है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, कई ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट 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 टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डायनेमिकल प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द डायनेमिकल प्रॉब्लम यस, बड़ा दिक्कत हो जाती है डायनेमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पर लैग्रेंजेस से बड़ी आसानी से हो सकता। ठीक है, बट लैग्रेंजियन अप्रोच गिव द बेटर सॉल्यूशन, इससे भी अच्छा हैमिल्टोनियन देगा, गिव द बेटर सॉल्यूशन। देखिए दो प्रकार के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स होता है, एक नॉन होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट। होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनमें पार्टिकल्स एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो अप करते हैं, एक कंडीशंस को फॉलो। नॉन होलोनॉमिक में अंदाजे में होता है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो वो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में आते हैं। हाँ, मतलब ये जो सिचुएशन अभी पढ़ा देंगे तुमको, जो सिचुएशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पार्टिकल पे लग रही हैं, तो सिचुएशन और रिस्ट्रिक्शंस को ही कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम है, उसकी सर्टेन लेंथ है, एक फिक्स पॉइंट पर आपने फिक्स कर दिया, अब वो तो इतने में ही ऑसिलेट करे, चाहे जितना करा दो तो मैक्सिमम उतना करेगा, उससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हुआ। ठीक है, जैसे एक एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस के मालिक्यूल, ठीक है, नहीं नहीं उसका ये नहीं पलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन सॉलिड, ठीक है, ये आपका कॉन्स्टेंट मोशन में आएगा। तो मतलब आएंगे बहुत सारे, पर जो एक कॉन्स्टेंट्स है, जो एक फिक्स कंडीशन को फॉलो अप करेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी हो गया, अब कुछ इनइक्वालिटी में चलेंगे, जो अंदाजे में चलेंगे, जैसे गैस मालिक्यूल का मोशन। हाँ है, हाँ हाँ बिल्कुल फ्री मोशन, जैसे गैस मालिक्यूल है वो अगर गैस सिलेंडर के बाहर ले लो तो फिर तो बिल्कुल फ्री हो गया। हाँ, तो लैग्रेंजियन से पता नहीं करते, उनकी चीजें एनालाइज करना, तो लैग्रेंजियन कांस्टेंट के साथ एनालाइज करा देता है, इसमें दिक्कत है, उतना आसान नहीं। लैग्रेंजियन इक्वेशंस इक्वेशंस या लैग्रेंजेज इक्वेशन,
इक्वेशंस, लैग्रेंजेज इक्वेशंस आर एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर एक्सप्रेस्ड इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भाई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यूजे क्यूजे डॉट वो सब आ गया, ठीक है। पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो पोजीशन और वेलोसिटी में डायरेक्ट, पुराने वाले में नहीं कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, सच टाइप ऑफ such type of intro, such type of introduction of generalized coordinates in Newtonian mechanics ठीक है, such type of introduction, ठीक है, introduction of generalized coordinates is not possible इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आप पोजीशन ऑफ वेलोसिटी की जगह डायरेक्ट कहां से इंस्टॉल कर दोगे, नहीं पॉसिबल। तीसरा, लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन Lagrange's equation of motion are invariant form are invariant form ये invariant form है with respect to coordinate transformation with respect to transformation भाई ट्रांसफॉर्मेशन है ना एक से दूसरे फ्रेम में, ठीक है, इतना इजी नहीं है आपका, ठीक है, पर इसमें वेरिएंट कर जाता है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरिएंट इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। वो वेरिएंट बदल रहा है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, वेरिएबल है, वेरिएंट है, इनवेरिएंट मतलब जैसे कोई चेंज लिया, डिफरेंस लिया, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वही दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पर इसमें वेरिएंट। अब देखिए,
ठीक है, ऑल कंजर्वेशन लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑल कंजर्वेशन लॉज एंड प्रिंसिपल्स मस्ट बी एग्जिस्ट इन लैग्रेंजेस, ठीक है, इन एग्जिस्ट इन लैग्रेंजेस आर एग्जिस्ट इन लैग्रेंजेस इक्वेशन. ठीक है, यहां कुछ ही सम नहीं, सम लॉज, सम कंजर्वेशन लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर एग्जिस्ट इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर एग्जिस्टिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स.